नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से यहाँ पर एक्सपोज होती हुई नजर आने वाली है निधि बोलती हुई नजर आएगी कि मैंने क्या कुछ नहीं किया था, मैंने तो इस प्रीता को मारने के लिए कोशिश भी की थी लेकिन ये जिंदा कैसे रह जाती है। सभी लोगों के सामने अब खुद ही कबूलनामा करती हुई नजर आने वाली है और जिसके बाद में करण बोलेगा कि निधि अब यहाँ से 9-2-11 हो लो क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हारा खून कर दूँ, यहाँ से जाओ। जिसके बाद में निधि धमकी देगी पूरे ही लूथरा परिवार को। आप लोग जानते हैं कि लूथरा परिवार को इस समय कितनी कैड़ी धमकी देती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी में एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों सभी लोग कन्फ्यूज हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि वास्तविक दोस्तों जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर साफ साफ बोलना ये है राखी माँ का कि ये लड़की इतनी ज़्यादा खतरनाक निकल सकती है, हमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि निधि खतरनाक थी ये तो थी लेकिन ये नहीं थी कि इतनी ज़्यादा खतरनाक निकलेगी। साथ ही दोस्तों बात की जाए इस समय की तो इस समय प्रीता एक चीज़ और बोलती हुई नजर आने वाली है कि सौर्य भी मेरा बेटा, राजवीर भी मेरा बेटा है। और आप लोग जानते ही हैं कि इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों जहां पर साफ साफ देखने को मिलेगा कि किस तरीका से राजवीर बोलेगा कि मैं तुम्हें जानता था आंटी कि तुम ऐसी हरकत करोगी, और सौर्य पूछेगा कि तुमने मेरे साथ में आखिरकार बिगाड़ के जो रखा है वो सब कुछ सारी मेहरबानी है। क्योंकि दोस्तों आखिरकार पूरी तरीका से यहाँ पर निधि फंस चुकी है और यहाँ पर ऋषभ पुलिस को बुलाने की धमकी देता हुआ नज़र आने वाला है क्योंकि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है इस समय। साथ ही दोस्तों आप लोगों का अनुरोध करूँगा निधि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रीता के लिए वीडियो को लाइक करें और करण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।